लेक्चर है, दिस इज लेक्चर फोर्थ, हमारा ये फोर्थ लेक्चर है। तो फोर्थ लेक्चर के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम लेक्चर 1, 2, 3 में क्या डिस्कस किए थे उसको हम क्विक रिवाइज कर लेते हैं। हमने कुछ बेसिक डेफिनेशन को स्टडी किया था, देन हमने कंट्रोल सिस्टम एनालिसिस के बारे में पढ़ा था और स्टेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़े थे, जो इस यूनिट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था। हमने अगेन स्टेटिक इक्वेशंस के डेफिनेशंस, उसके मैट्रिक्स क्या होते हैं उसको पढ़ा था, ब्लॉक डायग्राम को स्टडी किया था, मैट्रिक्स डी के बारे में स्टडी किया था, इसके सॉल्यूशंस को पढ़े थे, हमने ट्रांसफर फंक्शन भी फाइंड किया था, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स के बारे में स्टडी किया था। उसके बाद स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स को किस तरह से हम डिटरमिन करते हैं, किस तरह से फाइंड करते हैं, इसके बारे में भी हमने स्टडी किया था। हमने लाप्लास मेथड को बेस्ट मेथड कहा था और इसके बारे में एक एक न्यूमेरिकल हमने देखा था, और काफ़ी इजी न्यूमेरिकल थे और कुछ न्यूमेरिकल मैंने कहा था प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद हमने ये न्यूमेरिकल्स हैं, नेक्स्ट किस डायगोनलाइजेशन प्रोसेस को हमने स्टडी किया था और कुछ न्यू मैट्रिक्स के बारे में हमने पढ़ा था। कंट्रोलेबिलिटी हमने डिस्कस किया था, ऑब्जर्वेबिलिटी भी डिस्कस किए थे, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके, जो भी मैं अभी स्लाइड में आपको शो कर रहा हूँ ऑलरेडी ये डिस्कस हो चुका है, तो आप पुराने वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद इस वीडियो पे आप मूव कीजिएगा। अब न्यू टॉपिक है आज, तो इस न्यू टॉपिक की स्टडी करते हैं। मैंने कहा था लास्ट वीडियो में कि हम अगले आने वाले वीडियो में इस टॉपिक का डिस्कशन करेंगे, तो हमारे पास न्यू वीडियो का स्टेट ट्रांसफर फंक्शन डिकम्पोजिशन। पहले हम स्टडी करते हैं डिकम्पोजिशन क्या होता है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको पता है ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है। चलो एक ट्रांसफर फंक्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, अगर हमारे पास एक सिस्टम है, ये मेरे पास सिस्टम है और सिस्टम का आउटपुट yt है और देयर इज द इनपुट ऑफ द सिस्टम डिनोट एज ut, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म yt इज ys एंड इफ द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ut इज us, देन रेशियो ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट टू इनपुट एट ऑल इनिशियल कंडीशंस आर जीरो, दैट इज नोन एज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ गिवन सिस्टम। क्लियर, तो दैट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन। बट डिकम्पोजिशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिकम्पोजिशन, तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं और उसके बाद हम स्टडी करेंगे ट्रांसफर फंक्शन डिकम्पोजिशन में एक्चुअली हम क्या करने वाले हैं। तो इसे रफ कर देते हैं, मुझे कुछ स्पेस की रिक्वायरमेंट यहाँ भी पड़ेगी, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। मैंने डिस्कस किया ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, अब डिकम्पोजिशन क्या होता है इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। आप अज्यूम कीजिए आपके पास एक ट्रांसफर फंक्शन है, हमारे पास एक ट्रांसफर फंक्शन और मैं कहता हूँ हमारे पास दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन। एक ट्रांसफर फंक्शन को एग्जाम्पल में कंसिडर करते हैं और दैट इज द एस प्लस वन इंटू एस प्लस टू इंटू एस प्लस थ्री, ये मेरा ट्रांसफर फंक्शन किसी सिस्टम का गिवन है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक सिस्टम है जिसका वाई एस आउटपुट है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड यू एस इज द इनपुट, दिस इज द इनपुट और दिस इज द आउटपुट, तो इसका ट्रांसफर फंक्शन हमें गिवन है। तो क्या मैं इस ट्रांसफर फंक्शन को डिफरेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। फर्स्ट इज द, मैंने ट्रांसफर फंक्शन को फर्स्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, टी एफ वन में इसको रिप्रेजेंट करता हूँ। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ ए डिवाइड विथ एस प्लस वन प्लस बी डिवाइड विथ एस प्लस टू प्लस सी डिवाइड विथ एस प्लस थ्री। ऑब्वियसली ए बी सी डी हमारे पास जो ए बी एंड सी हैं, दीज आर द कॉन्स्टेंट, तो ये वन फॉर्म रिप्रेजेंटेशन हुआ। क्या मैं इसको अदर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, कैन वी राइट दिस ट्रांसफर फंक्शन लाइक टी एफ इज इक्वल टू वन डिवाइड विथ एस प्लस वन इंटू वन डिवाइड विथ एस प्लस टू इंटू वन डिवाइड विथ एस प्लस थ्री, कैन वी राइट लाइक दिस। अगेन अदर हमारे पास रिप्रेजेंटेशन कैसे लिख सकते हैं, कैन वी राइट दिस ट्रांसफर फंक्शन लाइक टी एफ इज इक्वल टू a डिवाइड विथ s प्लस वन प्लस b डिवाइड विथ s प्लस वन और s प्लस थ्री। अगेन इसी ट्रांसफर फंक्शन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ a डिवाइड विथ s प्लस वन b डिवाइड विथ s प्लस टू होगा क्योंकि हमारे पास टू है, s प्लस टू इन टू वन डिवाइड विथ s प्लस थ्री।
कैन वी राइट लाइक दिस या सी डिवाइड विथ एस प्लस थ्री, ऐसे भी हम ब्रेक कर सकते हैं. ऑब्वियसली यहाँ पे बी मेरा कॉन्स्टेंट है, उनका बी एस के फंक्शन आएंगे, या वन के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इस तरह से भी तो रिप्रेजेंट इसको हम कर सकते हैं. अगर मैथमेटिक्स के बेस पे देखें तो तीनों फंक्शन, तीनों को हम डिफरेंट इसी गिवन ट्रांसफर फंक्शन को डिफरेंट फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ये मेरा गिवन ट्रांसफर फंक्शन था, इसको हम डिफरेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जो गिवन ट्रांसफर फंक्शन है उसको डिफरेंट फॉर्म में जो रिप्रेजेंट करने का प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन. क्या कहेंगे, डिकम्पोजिशन. डिकम्पोजिशन मीन्स होता है कि हमें किसी भी सिस्टम को पार्ट वाइज ब्रेक कर देना. तो आई थिंक डिकम्पोजिशन का कंसेप्ट क्लियर हो गया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिकम्पोजिशन. ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि डिकम्पोजिशन का क्या मीनिंग होता है. क्लियर. नाउ अब सिंस हम ट्रांसफर फंक्शन को यहां पे क्या है, ट्रांसफर फंक्शन को डिफरेंट पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफर फंक्शन डिकम्पोजिशन. अगर मेरा सिस्टम को डिफरेंट पार्ट में ब्रेक करते तो क्या कहते हैं, सिस्टम डिकम्पोजिशन. ऐसे वर्ड आपको क्रिएट हो सकते हैं. तो यहां पे हमने देखा ट्रांसफर फंक्शन को डिफरेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, और इसी को हम क्या कहेंगे, ट्रांसफर फंक्शन डिकम्पोजिशन. तो सिंस यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन को हमें, अगर मैं इसको डिनोट करना ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन क्रिएट करूं, इसका मैं ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, तो देखो क्या होगा. अगर मैं इसे ब्लॉक के थ्रू इसको रिप्रेजेंट करना है तो मेरे पास क्या होगा, ट्रांसफर फंक्शन है तो यहाँ पे यू होगा यूएस, और ये मेरा सिस्टम है तो वन सिस्टम यहाँ पे होगा ए डिवाइड विथ एस प्लस वन, एक सिस्टम होगा. अगेन हमारे पास एक सिस्टम होगा बी डिवाइड विथ एस प्लस टू, और यहां पे क्या होगा, सी डिवाइड विथ एस प्लस थ्री, ये होगा. और इन तीनों का क्या है, यहां पे सम है, तो हम यहां पे एक समर यूज करेंगे. और हमने क्या किया, इन तीनों फंक्शन को क्या किया, सम कर दिया, समिंग पॉइंट, और दिस इज द आउटपुट. Now, since all the system, अगर if I say system, subsystem 1, subsystem 2 and subsystem 3 all are in parallel, तो the decomposition of transfer function is known as parallel decomposition. Clear? This decomposition is known as the parallel decomposition. Why parallel decomposition? क्योंकि यहाँ पे देखो सिस्टम जो भी है उनको एडिशन ऐड हमने किया है, प्लस साइन है, तो इसको हमें ब्लॉक डायग्राम में अगर रिप्रेजेंट करना हो तो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे. ऑल मेरे सब सिस्टम क्या है, पैरेलल है, तो इस तरह के डिकम्पोजिशन को हम क्या कहते हैं, पैरेलल डिकम्पोजिशन. तो ये आपके वन डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन के कितने पार्ट होंगे, थ्री पार्ट होंगे. तो वन हमारा क्लियर हो गया, व्हाट इज द पैरेलल डिकम्पोजिशन. तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज द पैरेलल डिकम्पोजिशन ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन, तो आपको इसी को एक्सप्लेन करना है कि किसी भी सिस्टम को अगर मैं इस तरह से ब्रेक कर दूं ट्रांसफर फंक्शन को, ए बाई एस प्लस वन प्लस बी बाई, ऑब्वियसली हमारे इस एग्जाम्पल के लिए, और एडिशन में ऐड हो जाए, मतलब एडिशन हो यहाँ पे, प्लस का साइन हो, उस तरह को हम किस ब्लॉक डायग्राम में रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे, और इस तरह के डिकम्पोजिशन को क्या कहेंगे, पैरेलल डिकम्पोजिशन. अगेन मैं इस सेकेंड पार्ट पे चलते हैं. सेकेंड पार्ट में मेरे पास क्या है, क्या मैं इस सिस्टम को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना हो तो ये मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई मीन्स कैस्केड होगा, मीन्स मैं यहाँ पे राइट करूं वन डिवाइड विथ एस प्लस वन, अगेन वन डिवाइड विथ एस प्लस टू, अगेन वन डिवाइड विथ एस प्लस थ्री. क्लियर. और इससे मेरा क्या होगा, आउटपुट वाई एस. ऑब्वियसली ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, वाई एस ओवर यू एस होता है, तो यूएस यहाँ पे जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, इसलिए यूएस यहाँ से मल्टीप्लाई होंगे. तो सिंस यहाँ पे सिस्टम मेरा क्या है, सिस्टम वन सब सिस्टम टू एंड सब सिस्टम थ्री, ये कैस्केड है क्या, तो इस तरह के डिकम्पोजिशन को हम क्या कहेंगे, कैस्केड डिकम्पोजिशन. शायद मैंने पॉइंटर यूज नहीं किया. सिंस यहाँ पे सिस्टम मेरा क्या है, सिस्टम जो यहाँ पे है तो ऑब्वियसली सिस्टम मेरा कैस्केड कनेक्टेड है, तो कैस्केड कनेक्टेड सिस्टम है इस तरह, तो इसको क्या बनेंगे, कैस्केड डिकम्पोजिशन. तो मैं यहाँ पे एक वर्ड यूज करते हैं, क्या ये वर्ड यूज होगा, सेकंड, दिस इज द सेकंड डिकम्पोजिशन प्रोसेस है, तो दिस सेकंड, और इसको हम क्या बोलेंगे, कैस्केड डिकम्पोजिशन या सीरीज डिकम्पोजिशन, क्या बोलेंगे, सीरीज या कैस्केड डिकम्पोजिशन.
तो इसे इसको क्या रीड करेंगे, कैस्केड डिकम्पोजिशन ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन, पैरेलल डिकम्पोजिशन ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन। अब इस केस को स्टडी करते हैं, सिंस यहाँ पे हमारे पास स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पे एक एरो क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पे डिस्कस करते हैं। क्लियर, यहाँ पे मेरे पास ए प्लस है तो मीन्स ए वाले को यहाँ पे मैं लिखूंगा ए डिवाइडेड एस प्लस वन, और सिंस ये प्लस के साथ है तो मैं यहाँ पे लिखूँ यू, दिस इज द यू, यू ऐसे क्या, दिस इज द यू, और यहाँ पे इनपुट हुआ। अगेन क्या है मेरे पास बी, बी डिवाइड विथ एस प्लस टू इन टू, या बी डिवाइड विथ एस प्लस टू इन टू एस प्लस थ्री, राइट, या इसको भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मीन्स मुझे एस प्लस टू इन टू एस प्लस थ्री, यहाँ पे क्या लिखना है, वन डिवाइड विथ एस प्लस टू, सिंस ये एस प्लस थ्री के साथ मल्टीप्लाई में है तो वन डिवाइड विथ एस प्लस थ्री, और ये b के साथ मल्टीप्लाई में तो यहाँ पे मैं b से मल्टीप्लाई कर दिया, ये मेरा b के लिए हुआ। और यहाँ पे मुझे क्या मिलेंगे, अगर मैं इसको ऐड कर दूँ, समर यहाँ पे यूज किया तो यहाँ पे प्लस साइन प्लस साइन, तो यहाँ पे जो आउटपुट होगा ys ये मुझे इससे मिल जाएगा, क्योंकि ये देखिए ये प्लस साइन के साथ है तो पैरेलल में होंगे और ये दोनों मल्टीप्लाई के साथ हैं तो सीरीज में होंगे। तो यहाँ पे देखो ये मेरा क्या है, पैरेलल भी है और सीरीज भी है, राइट, दोनों डिकम्पोजिशन पैरेलल और सीरीज, मीन्स पैरेलल वाला पार्ट है इसका पार्ट भी है, क्लियर, और सीरीज का भी पार्ट है, मीन्स यहाँ पे जो सीरीज वाले कंसेप्ट हमने यूज किया था इसका भी यहाँ पार्ट हमने यूज किया हुआ है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो इस तरह के डिकम्पोजिशन को क्या बोलेंगे, इस तरह के डिकम्पोजिशन को हम क्या बोलेंगे, मिक्स्ड डिकम्पोजिशन, इसको क्या बोल सकते हैं, मिक्स्ड मिक्स्ड या मिक्स्ड डिकम्पोजिशन, मिक्स्ड डिकम्पोजिशन ऑफ ट्रांसफर फंक्शन, मिक्स्ड डिकम्पोजिशन ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन, क्लियर। तो ये मेरे पास हमारे पास वन मेथड होंगे, थर्ड वन ही कि हम नहीं, जो भी ट्रांसफर फंक्शन गिवेन है, लाइक ये ट्रांसफर फंक्शन गिवेन है, अब फोर्थ मेथड पे हम डिस्कस कर लेते हैं, हम स्पेस यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, फोर्थ हमारे पास ग्रीन का यूज करते हैं, ये मेरा फोर्थ के लिए डिस्कस कर लेते हैं कि हम जो भी ट्रांसफर फंक्शन गिवन है उसको एज इट इज हम इम्प्लीमेंट भी तो कर सकते हैं, एज इट इज इम्प्लीमेंट भी तो कर सकते हैं, मीन्स हमारे पास जो ट्रांसफर फंक्शन गिवन है उसको एज इट इज आप इम्प्लीमेंट कर दीजिए, मीन्स ट्रांसफर फंक्शन मेरे पास क्या था, वन डिवाइड विथ एस प्लस वन और एस प्लस टू एस प्लस थ्री, क्लियर। तो अगर मैं इसको इम्प्लीमेंट करना तो मैं डायरेक्टली ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, वन डिवाइड विथ एस प्लस वन एस प्लस टू और s प्लस थ्री, क्लियर, s प्लस टू एस प्लस थ्री, इस तरह भी तो लिख सकते हैं वाई एस और यू एस। अब एक्चुअल क्या होगा, इस तरह से हम रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, तो ये मेरा फोर्थ रिप्रेजेंटेशन हुआ, और इसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट डिकम्पोजिशन, क्या बोलेंगे, डायरेक्ट डिकम्पोजिशन। और डिकम्पोजिशन मैंने क्यों कहा, आप कहोगे कि आपने सिर्फ ट्रांसफर फंक्शन लिखा, डिकम्पोजिशन क्यों, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक्चुअल ट्रांसफर फंक्शन गिवन है उसके से मैंने ब्लॉक डायग्राम बनाया, अब ब्लॉक डायग्राम बनाने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, स्टेट स्पेस फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, स्टेट स्पेस, स्टेट स्पेस मीन्स इसका भी मैं फर्दर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसमें, कि ए बी सी डी पैरामीटर या स्टेट स्पेस इक्वेशन फाइंड करूंगा इसका भी, स्टेट स्पेस, जब स्टेट स्पेस इक्वेशन फाइंड कर लेंगे तो उसी को कहेंगे डिकम्पोजिशन, मीन्स हम डिफरेंट पार्ट में इसको डिकम्पोज किया, यहाँ भी मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, स्टेट स्पेस इक्वेशन फाइंड करना होगा, और यहाँ भी अगेन हमारे पास इसका भी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फाइंड करने के बाद आपको यहाँ भी इसका स्टेट स्पेस इक्वेशन फाइंड करना होगा, स्टेट स्पेस इक्वेशन, क्लियर। तो इसको हम न्यूमेरिकल के थ्रू समझते हैं, बस आप ये समझिए कि हमारे पास जो ट्रांसफर फंक्शन होगा इसको डिफरेंट फॉर्मेट में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो अगर मुझे डायरेक्ट डिकम्पोजिशन होगा तो डायरेक्टली ट्रांसफर फंक्शन को राइट करना होगा, अगर पैरेलल डिकम्पोजिशन होगा तो हम प्लस साइन में ऐड करेंगे, पैरेलल डिकम्पोजिशन करेंगे, अगर हमारे पास मिक्स कैस्केड डिकम्पोजिशन करना होगा तो हम वहाँ पे अगर मिक्स डिकम्पोजिशन होगा तो हमें कुछ प्लस और मल्टीप्लाई वाले में फंक्शन को ब्रेक करना होगा, ये मैथमेटिक्स से सिंपल, किस तरह से फंक्शन को टू पार्ट में ब्रेक करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू हम कर सकते हैं। तो ये मैंने डिकम्पोजिशन के बारे में आपसे डिस्कस किया, अब सिर्फ अब एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं, पैरेलल डिकम्पोजिशन या डायरेक्ट डिकम्पोजिशन का एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं कि किस तरह से डिकम्पोजिशन हम करते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं और उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं, शायद उससे क्लियर हो जाएगा, एग्जाम्पल से ही क्लियर होगा,
अदर कोई हमारे पास स्टेप नहीं है। तो पहले हम एक बेसिक एग्जांपल को समझ लेते हैं, एक्चुअल हम क्या करने वाले हैं और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। तो लाइक हमारे पास एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल ये एक क्वेश्चन है मेरे पास, ये यूनिट वन से क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ। ऑब्वियसली यूनिट वन में आपने क्या पढ़ा था, जैसे मेरे पास एक ट्रांसफर, मेरे पास एक सिग्नल फ्लो ग्राफ गिवन है, राइट, ये मेरा एस इनवर्स है और ये फीडबैक है, दिस इज द फीडबैक और माइनस वन, दिस इज द नोड पॉइंट, दीज आर द नोड पॉइंट, दिस इज द इनपुट यू एस और दिस इज द आउटपुट नोड वाई एस, दिस इज द गेन ऑब्वियसली वन, दिस इज द गेन ऑब्वियसली वन, दिस इज द इनपुट। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका ट्रांसफर फंक्शन फाइंड कीजिए, अगर आपको ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना होगा तो आप क्या करोगे, तो आप मेसन गेन फार्मूला यूज करोगे। और मेसन गेन फार्मूला में क्या होता है कि आउटपुट ओवर इनपुट का रेशियो सम ऑफ के पी के डेल के डिवाइड विथ डेल होता है। ऑब्वियसली आप काफी ज्यादा प्रैक्टिस कर चुके तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। यहाँ पे फॉरवर्ड पाथ का गेन क्या होगा, मैं यहाँ से मूव करूंगा फॉरवर्ड पाथ में, ये मेरा फॉरवर्ड पाथ है, तो ऑब्वियसली वन मल्टीप्लाई विथ एस पावर माइनस वन इंटू वन, तो एस टू द पावर माइनस वन होगा, राइट। अगेन वन माइनस गेन ऑफ इंडिविजुअल लूप, तो हमारे पास यही एक लूप है, इसका गेन क्या होगा, एस टू द पावर माइनस वन माइनस वन, मीन्स माइनस एस टू द पावर माइनस वन। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो एस इनवर्स वन प्लस एस इनवर्स होगा, अगर मैं इसको राइट करूँ एस डिवाइड विथ एस प्लस वन, ये मेरा क्या हुआ, ट्रांसफर फंक्शन हुआ, जो हम थोड़ा सा पेशेंस रखो, अभी समझ में आ जाएगा कि हम क्यों इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो ये वन में हमारे पास, अगर अभी हमने क्या देखा कि अगर मेरे पास एक सिग्नल फ्लो ग्राफ गिवेन हो तो ऑब्वियसली ब्लॉक डायग्राम भी गिवेन होगा, तो आप फाइंड कर सकते हो ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक से, तो आप एक ट्रांसफर फंक्शन फाइंड कर सकते हो और ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू हमें मिले, ये सबको आता है, क्लियर। अब ये यूनिट किस में था, ये हमारा यूनिट वन का पार्ट था, ये यूनिट वन में हमने पढ़ा था। अब यूनिट टू हम पढ़ रहे हैं कंट्रोल सिस्टम का, इसमें हम पढ़ेंगे स्टेट स्पेस एनालिसिस, इसमें क्या पढ़ रहे हैं, स्टेट स्पेस एनालिसिस, स्टेट स्पेस पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे आपको प्रॉब्लम कैसे मिलेंगे, आपके पास एक ट्रांसफर फंक्शन गिवेन होगा लाइक वाई एस ओवर यू एस, मैं इसी ट्रांसफर फंक्शन को लेता हूँ, आपको क्या मिलेंगे, ट्रांसफर फंक्शन वाई एस ओवर यू एस और क्या है, एस डिवाइड विथ एस प्लस वन, एस डिवाइड विथ एस प्लस वन, ये ट्रांसफर फंक्शन आपको गिवन होगा। और आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि आप इसको सॉल्व कीजिए और सॉल्व करने के बाद इसका सिग्नल फ्लो ग्राफ और ब्लॉक डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ कीजिए, ये आपसे पूछेगा। जब आप सिग्नल फ्लो ग्राफ और ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ कर लोगे ना, उसके बाद हम स्टेट स्पेस में मैट्रिक्स ए बी सी और डी को फाइंड कर सकते हैं और स्टेट स्पेस इक्वेशन को भी हम स्टेट स्पेस इक्वेशन को भी फाइंड कर लेंगे। तो आप इस स्टेप को काफ़ी केयरफुली समझिए कि हमें यूनिट टू में करना क्या है। हमारे पास एक ट्रांसफर फंक्शन गिवन होगा, उससे हमें सिग्नल फ्लो ग्राफ या ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करना है और उसके थ्रू हमें स्टेट स्पेस इक्वेशन फाइंड करनी है। तो हमारे पास ये फर्स्ट स्टेप होगा और देन ये सेकेंड स्टेज होगा, उसके बाद हम कंट्रोलेबल सिस्टम, इस थर्ड स्टेप में क्या चेक करेंगे, सिस्टम कंट्रोलेबल है या नहीं, सिस्टम ऑब्जर्वेबल है या नहीं, सिस्टम का स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है, ये सब फाइंड कर सकते हैं अगर मुझे स्टेट इक्वेशन मिल जाए तो, क्लियर। तो ये मेरा इस तरह के प्रोसेस अडॉप्ट करने को। तो आप मुझे सीखना है कि अगर मेरे पास एक ट्रांसफर फंक्शन गिवेन हो तो सिग्नल फ्लो ग्राफ कैसे डिजाइन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे, देखिए मेरे पास सिग्नल फ्लो ग्राफ था तो ट्रांसफर फंक्शन यहाँ पे हमने फाइंड किया, क्लियर। यहाँ पे हमने क्या किया, सिग्नल फ्लो ग्राफ गिवेन था तो हमने कुछ प्रोसेस यूज किया, मैथमेटिकल ऑपरेशन और ट्रांसफर फंक्शन फाइंड किया। यहाँ पे क्या, ट्रांसफर फंक्शन गिवेन है मीन्स जो अभी हमने यहाँ पे सॉल्व किया है उसका रिवर्स प्रोसेस यहाँ पे परफॉर्म हमें करना होगा। तो एग्जैक्टली उसका रिवर्स प्रोसेस आप परफॉर्म कीजिए। रिवर्स प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए आप थोड़े स्टेप को केयर कीजिएगा। मुझे क्या करना, वाई एस ओवर यू एस लेना है, तो मुझे यहाँ पे डिनोमिनेटर से मैक्सिमम पावर ऑफ एस कॉमन लेना है। तो एस का मैक्सिमम पावर वन है, एस टू दी पावर, तो आप इसको कॉमन ले लीजिए। तो मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या होगा, वन डिवाइड टू वन वाई एस, यही हो जाएगा, यही मेरे पास होगा, सॉरी मैक्सिमम पावर ऑफ एस आपने कॉमन ले लिया, वन सेकंड ये गलत हुआ था,
तो यहाँ से एस इनवर्स वन आएगा ना, वन डिवाइड विथ एस प्लस वन होगा, वन होगा क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, सॉरी फॉर दिस, यहाँ पे क्या होगा वन होगा, वन होगा और ये भी मेरा वन होगा। मैक्सिमम पावर ऑफ वन एस आप कॉमन ले लिए डिनोमिनेटर से, ऑलवेज आपको डिनोमिनेटर से मैक्सिमम पावर कॉमन लेना है, फर्स्ट स्टेप है। तो मैक्सिमम पावर ऑफ एस हमें कॉमन लेना है डिनोमिनेटर से, ऑलवेज रिमेंबर डेट। अब इसको सॉल्व करते हैं, एस टू द पावर माइनस वन हो जाएगा, मैंने इसको ऊपर सेंड कर दिया और यहाँ पे क्या हो जाएगा वन प्लस एस टू द पावर माइनस वन ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए जो ये माइनस साइन यहाँ पे था वन माइनस साइन था, यहाँ पे क्या वन प्लस साइन, तो हमें इसको माइनस क्रिएट करना होगा। तो माइनस साइन क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे वन माइनस माइनस एस टू द पावर माइनस वन ऐसा लिख सकते हैं, या इसको क्या लिखते हैं एस टू द पावर माइनस वन, वन माइनस माइनस वन एस टू द पावर माइनस वन ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, यहाँ पे देखो जो आपको यहाँ पे रिटर्न है वो क्या है फॉरवर्ड पाथ है राइट, सिमिलरली जो न्यूमिरेटर में रिटर्न है वो मेरा फॉरवर्ड पाथ है, तो मैं क्या करूँगा एक फॉरवर्ड पाथ डिजाइन करूँगा यूएस से लेकर और दिस इज द आउटपुट वाई एस और यहाँ पे फॉरवर्ड पाथ गेन किया एस टू द पावर माइनस वन और दो नोड ऐसे क्रिएट कर दिया, क्लियर, ये मेरा फॉरवर्ड पाथ है। और मैंने देखा वन माइनस जो यहाँ पे है एस टू द पावर माइनस वन, एस टू द पावर माइनस वन के जो मल्टीपल में है वो लूप क्रिएट करेगा और लूप किसके अक्रॉस होगा एस टू द पावर माइनस वन के अक्रॉस, क्लियर। तो एस टू द पावर माइनस वन के अक्रॉस एक लूप क्रिएट कर दो आप और इसका गेन क्या होगा माइनस वन और ये मेरा ऑब्वियसली ये वन होगा, नहीं गिवन होता तो बाय डिफॉल्ट वन होता। इस तरह मेरा सिग्नल फ्लो ग्राफ इसका फाइंड अप निकल लिया। अब मैंने कहा था सिग्नल फ्लो ग्राफ हमें फाइंड करने के बाद मुझे स्टेट स्पेस इक्वेशन फाइंड करनी है, स्टेट स्पेस इक्वेशन किस तरह से फाइंड करनी है इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। बस आप यहाँ पे थोड़ा देर करना, आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो अपने नोटबुक में या आप इस वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा, हो जाएगा ना। ट्रांसफर फंक्शन गिवन हो गया, अब ट्रांसफर फंक्शन के बाद मैंने क्या कहा था स्टेट स्पेस इक्वेशन फाइंड करना है, स्टेट स्पेस इक्वेशन देखो कैसे फाइंड करना होता है। एस टू द पावर माइनस वन, एस टू द पावर माइनस वन को वन ओवर एस लिख सकते हैं और वन ओवर एस क्या है इंटीग्रेशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, क्लियर। मीन्स अगर यहाँ पे क्वांटिटी है, यहाँ पे अगर मैं क्वांटिटी रखूँ डेल एक्स ओवर डेल टी तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा एक्स मिलेगा और डेल एक्स ओवर डेल टी को आपने क्या लिखा था, डेल एक्स ओवर डेल टी को तो आपने एक्स पॉइंट लिखा था, डेल एक्स ओवर डेल टी एक्स पॉइंट आपने लिखा था। तो अगर मैं यहाँ पे इस नोट पे मैं राइट करना चाहूँ एक्स पॉइंट मैं वन टाइम डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स तो क्या होगा एक्स इंटू माइनस वन, देखो आप इनकमिंग ओनली इनकमिंग नोड आप देखो कितने इनकमिंग नोड है यहाँ पे तो एक्स इंटू माइनस वन तो माइनस एक्स प्लस वन इंटू यू एस, वन इंटू यू एस मैंने यहाँ पे लिख दिया। y को आप देखो आप अगेन y पॉइंट y मेरा क्या है y इज इक्वल टू वन इंटू एक्स लिख सकते हैं, वन इंटू एक्स लिख सकते हैं। अब आप अपनी इक्वेशन स्टेट स्पेस इक्वेशन से कंपेयर कीजिए तो ए एक्स प्लस बी यू वाई इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी यू तो आपको मैट्रिक्स a क्या मिलेगा अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो तो a क्या मिलेगा आपको a इज इक्वल टू माइनस वन जिसका डायमेंशन होगा वन क्रॉस वन, क्लियर। एक छोटा सा एग्जांपल था इसलिए हमारे मैट्रिक्स का डायमेंशन है सिमिलर, बी का डायमेंशन यहाँ से वन के मल्टीप्लाई है तो ऑब्वियसली वन मिलेगा बी की वैल्यू वन क्रॉस वन। अगर मुझसे बोले सी क्या है तो सी हमारे पास एक्स के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे वन मिलेगा मुझे वन इंटू सी इज द वन क्रॉस वन एंड वट इज द वैल्यू ऑफ डी, वैल्यू ऑफ डी इज जीरो मैट्रिक्स और दिस ऑल्सो मे बी वन क्रॉस वन। तो हमने क्या एक सिंपल से इक्वेशन से मैंने पहले ये यहाँ पे हमने क्या सीखा फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये सीखा कि जो हमारे पास सिग्नल फ्लो ग्राफ अगर गिवन है किसी भी क्वेश्चन में सिग्नल फ्लो ग्राफ गिवन है तो आप मेसन के फॉर्मूला को यूज करके ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करते हैं और ये हमने यूनिट वन में पढ़ा हुआ था। इसी का जस्ट रिवर्स प्रोसेस है यहाँ पे कि हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन गिवन है तो हमें सिग्नल फ्लो ग्राफ फाइंड करने हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली इसको सॉल्व किया तो ये डायरेक्ट डिकम्पोजिशन है, मैंने इसको पैरेलल और सीरीज में तो कन्वर्ट नहीं किया ना, जो भी ट्रांसफर फंक्शन गिवन था ये ग्रीन वाला पार्ट आप देखिए जो भी ट्रांसफर फंक्शन गिवन था उसको मैंने डायरेक्टली इंप्लीमेंट किया, उसका सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाया, सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाने के बाद स्टेट स्पेस इक्वेशन फाइंड किया। तो
इसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट डिकम्पोजिशन मेथड। ऑब्वियसली इसको मल्टीप्लाई नहीं करके, क्योंकि एक ही फंक्शन है हमारे पास, मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते थे, पैरेलल भी नहीं होगा। सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाना, ये एक टास्क है आपका। सिग्नल फ्लो ग्राफ बनने के बाद मैंने क्या कहा था, आपको स्टेट स्पेस इक्वेशन के लिए सॉल्व करना है, तो आपको इस तरह से वेरिएबल को डिजाइन करना है। मींस अगर एस टू द पावर माइनस वन है तो उसके एक साइड एक्स आप एजूम कीजिए, यहाँ पे डेल एक्स ओवर डेल टी एजूम कीजिए, देन आप इसको सॉल्व कीजिए। उसी तरह से मैंने यहाँ पे नोड एनालिसिस, आप सिर्फ यहाँ पे खड़े हो जाओ इस पॉइंट पे और नोड एनालिसिस, आप देखो कितने इनकमिंग है। ऐसा नहीं करोगे आप आउटगोइंग ब्रांच, लाइक आप आउटगोइंग ब्रांच को कंसीडर नहीं करते, यहाँ पे सिर्फ इनकमिंग ब्रांच को ही कंसीडर करेंगे। यहाँ भी देखिए आप इनकमिंग ब्रांच क्या है, ठीक है। आप एक्स के लिए नहीं सॉल्व करोगे, आपको एक्स के लिए नहीं सॉल्व करना, आपको वाई के लिए सॉल्व करना है और डेल, क्योंकि हमारी इक्वेशन में यही मेरे पास है, एक एक्स डैश है और एक वाई है, ठीक है। तो इसी के लिए हम अपने सिग्नल फ्लो ग्राफ को सॉल्व करेंगे। ये मेरा क्या था, सिग्नल फ्लो ग्राफ था, क्लियर। उसके बाद मैंने कंपेयर करके, अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, एक पूछते भी हैं एग्जाम में कि आप जो इस सिग्नल फ्लो ग्राफ में ना, नहीं मुझे आप ब्लॉक डायग्राम डिजाइन कीजिए। तो ऑब्वियसली अगर एक सिग्नल फ्लो ग्राफ है तो इसका ब्लॉक डायग्राम क्या होगा, ऑब्वियसली मेरे पास ये यू है तो ऑब्वियसली यू हुआ, दिस इज, यहाँ पे मेरे पास क्या है, एस इनवर्स है तो इसको क्या बोलेंगे, इंटीग्रेटर, इंटीग्रेटर हो गया, सॉरी यहाँ पे समर आएगा, इंटीग्रेटर हो गया। और यहाँ पे मेरे पास क्या है, समर है तो मैं यहाँ पे एक समर क्रिएट करता हूँ, ये यू होगा, और इसके फीडबैक में मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे इंटीग्रेटर हो गया, इंटीग्रेटर का आउटपुट, और ये फीडबैक माइनस वन है तो यहाँ पे मैं माइनस साइन रख दूंगा, यहाँ पे प्लस साइन, और यहाँ पे वन लिखूंगा या वन नहीं भी लिख सकता हूँ, वन नहीं भी लिख सकता क्योंकि बाय डिफॉल्ट वन होता है, तो मैं वन को रिमूव कर देता हूँ, यहाँ पे वन लिखने की जरूरत नहीं है, और डायरेक्टली मैं यहाँ पे इस तरह से लिख सकता हूँ, क्लियर। और ये मेरा क्यों, उसके बाद ब्लॉक डायग्राम हो गया, एस टू देन वाई, देन दिस इज द वाई, ये मेरा ब्लॉक डायग्राम हो गया, वाई होगी। तो ऑब्वियसली यहाँ भी आप वही करोगे, ये मेरा क्या है, एक्स है, और ये यहाँ पे क्या होगा, इस पॉइंट पे डेल एक्स ओवर डेल टी, क्योंकि डेल एक्स ओवर डेल टी को जब इंटीग्रेट करोगे तो आपको एक्स मिलेगा। तो इस तरह से क्या है, मेरा ब्लॉक डायग्राम होगा, ब्लॉक डायग्राम, ठीक है। तो चलिए कुछ अच्छे एग्जाम्पल देते थे, काफी इजी एग्जाम्पल था, तो मैंने डिकम्पोजिशन कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया यहाँ पे कि किस तरह से फंक्शन का डिकम्पोजिशन करते हैं। कुछ अदर एग्जाम्पल आइए देखते हैं, एक एग्जाम्पल मैं कंसीडर कर रहा हूँ यहाँ पे, और सेकंड एग्जाम्पल, ये भी थोड़ा इजी एग्जाम्पल है, देन थोड़ा टफ एग्जाम्पल की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर टू, अब हमें क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करना होगा डिकम्पोजिशन में, ठीक है। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा तो उतने ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। लाइक एस प्लस टू डिवाइड विथ एस प्लस थ्री, ये मेरा ट्रांसफर फंक्शन की मेन है, ऑब्वियसली मैं ट्रांसफर फंक्शन है तो वाई एस ओवर यू एस मैं एज्यूम कर रहा हूँ, और यू एस में क्या एज्यूम कर रहा हूँ, यू इज द इनपुट, वाई एस इज द आउटपुट, वाई इज द आउटपुट। मैंने आपको क्या कहा था, अगर इस तरह के जब भी हो तो आपको डिनोमिनेटर से मैक्सिमम पावर ऑफ एस कॉमन लेना है। आप मैक्सिमम पावर ऑफ एस कॉमन लीजिए तो क्या होगा, एस को आपने कॉमन लिया, वन प्लस थ्री वाई एस लिख सकते हैं, मैं ब्लू पेन से सॉल्व करता हूँ, तो इस एस को मैं ऊपर मूव की तरफ करता हूँ, तो वहाँ पे क्या होगा, एस एस कैंसिल, वन डिवाइड विथ टू, वन प्लस टू वाई एस, वन प्लस थ्री वाई एस हो जाएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, वन प्लस टू एस इनवर्स, वन प्लस थ्री एस इनवर्स। मैंने क्या कहा था, डिनोमिनेटर में यहाँ पे निगेटिव साइन होना चाहिए, ये आपको रिमेम्बर रखना है, इस पॉइंट पे निगेटिव साइन चाहिए, क्योंकि मेसन गेन फार्मूला आप पढ़ोगे तो वन माइनस होता है, वन माइनस सम ऑफ इंडिविजुअल लूप गेन, तो यहाँ पे मैंने माइनस क्रिएट करने के लिए ऐसे लिख सकते हैं क्या, क्लियर। अब इसको मैं सिग्नल फ्लो ग्राफ इंप्लीमेंट करता हूँ। पहले देखिए यहाँ पे समिंग पॉइंट है, अब मैंने कहा था जो न्यूमिरेटर होगा, न्यूमिरेटर जो मेरा पार्ट है, ये मेरा फॉरवर्ड पाथ होता है, तो वैसे हमारे पास कितने फॉरवर्ड पाथ होंगे, टू, टू फॉरवर्ड पाथ होंगे, तो पहले टू फॉरवर्ड पाथ क्रिएट करते हैं। एक मेरा फॉरवर्ड पाथ होगा जो एस टू द पावर, मान ये मेरा अगर यू है, दिस इज द यू, यू एस है, तो एस टू द पावर माइनस वन और मल्टीप्लाई विथ टू, देखिए आप टू इंटू एस टू द पावर माइनस वन मुझे मिल गया, यहाँ से यहाँ मूव किया और मैंने वाई एस पहुँच, यहाँ पे ये आउटपुट मेरा हो गया, क्लियर। सेकेंड मेरा फॉरवर्ड पाथ क्या है, वन गेन है, तो फॉरवर्ड पाथ यहाँ से हमें वन गेन चाहिए, तो मैंने वन गेन यहाँ पे अचीव कर लिया, ये मेरा पॉइंट है, गेन मेरा क्या मिला हुआ, देखिए आप गेन क्या, आप इनपुट से आउटपुट की तरफ मूव कीजिए, तो एक मेरा ये फॉरवर्ड पाथ हो गया, आप ऐसे मूव कीजिए, गेन ऑफ द दिस फॉरवर्ड पाथ इज वन। नाउ अदर मेरे पास फॉरवर्ड पाथ क्या होगा, दिस वन फॉरवर्ड पाथ ये मेरे पास होगा, इस फॉरवर्ड पाथ का गेन क्या है, टू इंटू एस टू द पावर माइनस वन, तो मैंने इस पाथ को वहाँ ब्लैक से रिप्रेजेंट किया है,
और दिस पाथ वन इज द पाथ मेरा रिप्रेजेंट बाय दिस कलर, तो मैंने सेम कलर यहाँ पे यूज किया, फॉरवर्ड पाथ हो गया। ऑलवेज रिमेम्बर डेट जो भी मेरा न्यूमिरेटर में होगा यहाँ पे होगा, ये मेरे क्या होंगे न्यूमिरेटर वाला जो भी पोर्शन होगा ये मेरे फॉरवर्ड पाथ होते हैं, ये मेरा फॉरवर्ड पाथ होगा, फॉरवर्ड पाथ ऑलवेज रिमेम्बर, क्योंकि मेसोंगेन फार्मूला में न्यूमिरेटर में ही फॉरवर्ड पाथ आते हैं। अगर आपने बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए होंगे तो आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब बैकवर्ड पाथ को इम्प्लीमेंट करते हैं, ये मैंने कहा था वन माइनस यहाँ पे जो क्वांटिटी रिटर्न होगी, जैसे एस टू द पावर माइनस वन है, मीन्स एस टू द पावर माइनस वन के अक्रॉस एक लूप क्रिएट होगा जिसका गेन क्या है माइनस थ्री, तो एस टू द पावर माइनस वन यहाँ पे इसके अक्रॉस एक लूप क्रिएट होगा, लूप क्रिएट करेंगे इसका गेन क्या है मेरा माइनस थ्री। देखो आप, अब ओवरऑल लूप गेन मुझे क्या मिलेगा, आप ऐसे चलो तो एस टू द पावर माइनस वन माइनस थ्री मिला क्या, इस तरह से मेरे इस सिग्नल फ्लोग्राफ को इम्प्लीमेंट हमने कर लिया, ये मेरा इसका क्या हुआ सिग्नल फ्लोग्राफ। तो ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं आप सिग्नल फ्लोग्राफ फाइंड कीजिए, क्लियर सिग्नल फ्लोग्राफ। अब इसी का ब्लॉक डायग्राम में भी इम्प्लीमेंट यहाँ पे कर देते हैं, ब्लॉक डायग्राम क्या होगा ऑब्वियसली काफी इजी है कि मेरा दिस इज द यू होगा, ब्लॉक डायग्राम डिफरेंट कलर यूज करते हैं, यू के बाद इस पॉइंट में मेरा क्या है समर होगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम समर क्रिएट करते हैं, ये मेरा क्या होगा समर होगा और मैं डिफरेंट कलर यूज करता हूँ, यहाँ पे समर होगा राइट। और यहाँ पे एस टू दी पावर माइनस वन है, तो एस टू दी पावर माइनस वन को अभी मैंने क्या कहा था एस टू दी पावर माइनस वन को क्या लिखते हैं वन ओवर एस, वन ओवर एस को हम इंटीग्रेटर के लिख सकते हैं, तो ये मेरा पास क्या होगा एक इंटीग्रेटर होगा, इंटीग्रेटर के अक्रॉस मेरा एक गेन होगा, गेन क्या है माइनस थ्री, तो थ्री को यहाँ पे लिखेंगे राइट, और यहाँ पे क्या साइन यूज करेंगे माइनस, और ये मेरा प्लस, क्लियर इस पॉइंट को हमने इम्प्लीमेंट कर लिया। नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट हमारा पॉइंट होगा टू, तो टू गेन यहाँ पे हमने शो किया, दिस इज द गेन टू, अगेन यहाँ पे मुझे समर यूज करना होगा, दिस इज द प्लस साइन और दिस इज द गेन ऑफ द सिस्टम मीन्स वन, इस पाथ का गेन क्या वन, इसको मैंने इम्प्लीमेंट किया और मेरा क्या होगा वाई एस, क्लियर। तो अगेन आपने देखा यहाँ पे ये नोड हमने इम्प्लीमेंट कर लिया, इस नोड को यहाँ पे इसके इक्विवेलेंट ये नोड है, अगर मैं कहूँ तो ये इक्विवेलेंट मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इसके इक्विवेलेंट नोड, इस नोड के इक्विवेलेंट यहाँ पे एक समर है और इस नोड के इक्विवेलेंट यहाँ पे एक समर है, तो मैंने इक्विवेलेंट ड्रॉ किया हुआ है, आप इसको समझ सकते हैं काफी इजी, बाकी इंटीग्रेटर मैंने इसके लिए और माइनस थ्री था, तो इस तरह से हमने निगेटिव साइन यहाँ पे यूज किया, ये मेरा पास क्या हुआ ब्लॉक डायग्राम ऑफ द गिवन फंक्शन, ब्लॉक डायग्राम। एग्जाम में आपसे कोई एक ही पूछेगा, इधर आपको सिग्नल फ्लोग्राफ करना होगा ब्लॉक डायग्राम, अगर नहीं है तो आप सिग्नल फ्लोग्राफ से ही सॉल्व कीजिए न्यूमेरिकल को। अब मैंने कहा था इसका स्टेट स्पेस इक्वेशन मुझे फाइंड करना होगा राइट, तो इसको देखते हैं स्टेट स्पेस इक्वेशन किस तरह से फाइंड करते हैं। स्टेट स्पेस इक्वेशन के लिए स्टेट स्पेस इक्वेशन को फाइंड करते, तो मैंने क्या कहा था आपको स्टेट स्पेस इक्वेशन अगर फाइंड करना हो तो S के क्रॉस आप देखिए यहाँ पे आपको क्या, अगर मैं यहाँ पे X है, यहाँ पे इस पॉइंट को मैं ज़ूम करता हूँ डेल एक्स ओवर डेल टी, क्या ज़ूम किया डेल एक्स ओवर डेल टी, तो इसको X डैश लिखेंगे, X डैश क्लियर, तो इस पॉइंट को हम क्या लिखेंगे X, क्योंकि X डैश को डेल एक्स ओवर डेल टी को इंटीग्रेटर से पास करेंगे तो X होगा ऑब्वियसली, यहाँ तक क्लियर होगा, और यहाँ पे मुझे इंप्लीमेंट करके 2x मिल जाएगा और 1 हो जाएगा। और देखिए सिंगल हमारे पास एस टू मैक्सिमम पावर ऑफ एस कितना है 1, तो मैंने कहा था ना कि मैक्सिमम पावर ऑफ डिन मैक्सिमम पावर जो ट्रांसफर फंक्शन होगा उतने ही हमारे क्या होंगे स्टेट वेरिएबल्स होंगे, x क्या है स्टेट वेरिएबल्स, स्टेट वेरिएबल्स मैंने यहाँ पे शो किया था आपको कि n की वैल्यू क्या होती है, n मैंने कहा था ना ऑर्डर ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन, ऑर्डर ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन के इक्वल ही एन की वैल्यू होगी, और एन क्या है मेरा स्टेट वेरिएबल है, तो इसी पॉइंट को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि दिस इज द स्टेट वेरिएबल, क्लियर। तो वन सेकेंड, तो यहाँ पे मैंने स्टेट वेरिएबल वन स्टेट वेरिएबल, अब इसका मुझे ट्रांसफर फंक्शन स्टेट इक्वेशन राइट करना है। देखिए यहाँ पे कैसे राइट करेंगे, मैंने कहा था आप यहाँ पे इंप्लीमेंट कीजिए कि एक्स डैश की वैल्यू क्या होगी, आप इस यहाँ से देखिए एक्स डैश की वैल्यू क्या होगी, इनपुट नोड सिर्फ आपको इनपुट आउटपुट नहीं देखना है, इस नोड आउटपुट नोड नहीं देखना, आउटपुट नोड नहीं सिर्फ इनपुट नोड देखिए, इनपुट ब्रांच देखिए आप इस नोड पे इनपुट ब्रांच कितने हैं, तो वन हमारा एक्स मल्टीप्लाई विथ माइनस थ्री, तो माइनस थ्री एक्स प्लस यहाँ पे नहीं है तो वन मल्टीप्लाई विथ यू, वन मल्टीप्लाई विथ यू राइट। अब y को क्या लिखेंगे, y मेरा क्या है, y ये मेरा ये नोड है, तो इस नोड पे आने वाले मेरे पास क्या है
y इज इक्वल टू x डैश मल्टीप्लाई विथ 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई विथ x, ऐसे ही लिखेंगे। ये सब कुछ समझ में आ गया, एक बार आप देख लीजिए, यहाँ पे x डैश है, ये x डैश 1 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे मिलेगा और x मल्टीप्लाई विथ 2 ये मुझे मिला। नाउ मैंने इक्वेशन को आप रिमेम्बर कीजिए, हमारी इक्वेशन में था क्या, x डैश इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू, y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी यू। राइट हैंड साइड में x डैश इस तरह का कोई टर्म नहीं है, राइट, बट यहाँ पे देखो y के राइट हैंड साइड में इस तरह का टर्म है, तो हम क्या करेंगे, x डैश की वैल्यू यहाँ से यहाँ पे पुट करेंगे, मीन्स इक्वेशन 1 से x डैश की वैल्यू पुट कीजिएगा तो क्या होगा, माइनस 3x प्लस 1 इंटू यू प्लस 2x, ऐसे लिख सकते हैं। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस एक्स प्लस 1 इंटू यू, क्लियर, ये y मेरा मिल गया, एक इक्वेशन मुझे यहाँ पे मिल गया और फर्स्ट स्टेट इक्वेशन मुझे यहाँ पे मिल गया, क्लियर। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को इससे कंपेयर करो, आप कंपेयर कीजिए इस इक्वेशन से, तो आपको a की वैल्यू क्या मिलेगी, a की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, माइनस 3, क्लियर। अब इसलिए यहाँ पे 1x1 का मैट्रिक्स है, 1x1 क्यों, क्योंकि ये क्या मैक्सिमम पावर ऑफ s कितना है, 1 डिनोमिनेटर में, तो ऑब्वियसली हमारे पास एक ही स्टेट वेरिएबल होंगे और ए का डायमेंशन हमने पढ़ा था n x n, ए का डायमेंशन होता है n की वैल्यू 1 है तो 1x1 मिलेगा। बी की वैल्यू क्या होगी, बी इज इक्वल टू 1, राइट, यहाँ भी 1 मिला, ये भी मेरा इजी प्रॉब्लम था। वाई सी की वैल्यू क्या होगी, आप ऑब्वियसली सी यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए तो माइनस 1, यहाँ पे सी की वैल्यू माइनस 1 मिला, सॉरी सी इज इक्वल टू माइनस 1, ग्रीन कलर, c इज इक्वल टू माइनस 1, 1x1, वट इज द वैल्यू ऑफ d, यहाँ पे वैल्यू ऑफ d मुझे मिला 1, तो मुझे ऑल वैल्यू a b c d की वैल्यू क्या मिली, 1x1, क्लियर। अब यहाँ पे मैं आपसे पूछूं कि आप क्यू सी की वैल्यू फाइंड कीजिए, क्यू वी की वैल्यू फाइंड कीजिए, स्टेट इक्वेशन फाइंड कीजिए, मीन्स फाइव टी की वैल्यू फाइंड कीजिए, ऑब्वियसली फाइव टी इज इक्वल टू क्या होता है, si माइनस a का इन्वर्स आप फाइंड कर सकते हैं। QC की वैल्यू क्या है, BAB, इस तरह से, तो B टर्म क्यों जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 1x1 का मैट्रिक्स है, यहाँ पे C की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं और आप कमेंट कर सकते हैं सिस्टम कंट्रोलेबल है या नहीं, ऑब्जर्वेबल है या नहीं। तो इस एग्जांपल से क्लियर हो चुका होगा कितने फॉरवर्ड पाथ होंगे इस एग्जांपल में मेनली, तो जितने हमारे न्यूमरेटर के पार्ट होंगे उतने फॉरवर्ड पाथ होंगे और इसको हम इस तरह से ब्रेक करेंगे ताकि हमारा सिस्टम माइनस साइन यहाँ पे आए, और जो जैसे एस टू द पावर माइनस 1 से मल्टीप्लाई है तो माइनस 3 यहाँ पे होगा, क्लियर। तो एक और एग्जांपल हम लेते हैं, एग्जांपल सबको क्लियर हो चुका होगा। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, ये आज का थर्ड एग्जांपल होगा और थोड़ा अच्छे एग्जांपल लेते हैं इस बार, क्योंकि काफी इजी एग्जांपल थे दोनों और उसको हमने इजिली सॉल्व कर लिया था। अब इसके बाद जो भी आपको एग्जांपल मिलेंगे ऐसे आपको सॉल्व करते जाना है, ऐसा कुछ आपको हमेशा मिलेगा और मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। लाइक फर्स्ट एग्जांपल हमारा डायरेक्ट डिकम्पोजिशन से हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। अब जैसे मैंने इसको सॉल्व किया था ना, यहाँ पे फर्स्ट हमने कहा था डायरेक्ट डिकम्पोजिशन, पैरेलल डिकम्पोजिशन, कैस्केड डिकम्पोजिशन, मिक्स डिकम्पोजिशन, तो हम डायरेक्ट डिकम्पोजिशन के कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल मीन्स एग्जाम्पल ऑफ एग्जाम्पल ऑन डायरेक्ट डिकम्पोजिशन, एग्जाम्पल ऑन डायरेक्ट डिकम्पोजिशन, कुछ एग्जाम्पल इसको देखते हैं। हैंडराइटिंग इस पर सही नहीं हो रही क्योंकि ऑनलाइन क्लास है तो काफी प्रॉब्लम हो रही है राइट करने में, बट आप इसको समझ लीजिएगा डायरेक्ट है और यहाँ पे डिकम्पोजिशन है। ये एक ट्रांसफर फंक्शन कंसिडर करते हैं, वाई एस इज इक्वल टू वाई एस डिवाइड विथ यू एस इज इक्वल टू 1 डिवाइड विथ एस क्यू प्लस 9s स्क्वायर प्लस 26s प्लस 24। इसको हम डायरेक्ट डिकम्पोजिशन करेंगे, देन अदर मेथड को भी डिस्कस करेंगे, पैरेलल डिकम्पोजिशन, कैस्केड डिकम्पोजिशन। इसी एग्जांपल का पहले डायरेक्ट डिकम्पोजिशन में हम क्या करते हैं, तो मैंने आपको क्या कहा था कि आपको मैक्सिमम पावर ऑफ एस डिनोमिनेटर से कॉमन लेना है, मैक्सिमम पावर ऑफ एस। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ वाई एस ओवर यू एस, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि अच्छी हैंड राइटिंग हो,
और मैक्सिमम पावर ऑफ एस टू द पावर थ्री कॉमन मैंने ले लिया, और ऊपर रखेंगे तो एस टू द पावर माइनस थ्री हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचा, वन प्लस नाइन एस टू द पावर माइनस वन प्लस 26 एस टू द पावर माइनस टू प्लस 24 एस टू द पावर माइनस थ्री। क्या ऐसा लिख सकते हैं आप एस टू द पावर माइनस थ्री, मैक्सिमम पावर कॉमन लेना है डिनोमिनेटर से। ये स्टेप आपको रिमेम्बर हो जानी चाहिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में ये स्टेप रिपीट होगा। ये माइनस थ्री होगा, मैंने क्या था, वन माइनस यहाँ पे आना चाहिए, राइट। तो हमने क्या किया, वन माइनस, सेम कॉन्सेप्ट, माइनस नाइन एस टू द पावर माइनस वन माइनस 26 एस टू द पावर माइनस टू माइनस 24 एस टू द पावर माइनस थ्री। क्लियर, यहाँ तक अपने यहाँ तक समझ में आ चुका होगा ना। अब आपको क्या करना है, एस टू द पावर माइनस थ्री है, राइट। तो एस टू द पावर माइनस थ्री को हम ऐसे लिख सकते हैं, एस टू द पावर माइनस थ्री को एस टू द पावर माइनस वन इंटू एस टू द पावर माइनस वन इंटू एस टू द पावर माइनस वन ऐसा लिख सकते हैं। तो हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा, ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा एस टू द पावर माइनस वन एस टू द पावर माइनस वन एस टू द पावर माइनस वन। क्लियर, और ये वन माइनस नाइन इंटू एस टू द पावर माइनस वन 26 इंटू एस टू द पावर माइनस टू 24 इंटू एस टू द पावर माइनस थ्री ऐसा लिख सकते हैं। अब हमारे पास कितने फॉरवर्ड पाथ है, देखिए मल्टीप्लाई साइन है, प्लस साइन ही है, अगर ऐसा होता प्लस होता तो हमारे पास थ्री फॉरवर्ड पाथ होते, राइट। हमारे पास थ्री फॉरवर्ड पाथ होते हैं, बट यहाँ मल्टीप्लाई साइन है, तो मल्टीप्लाई साइन में सिंगल, ये मेरे एक ही फॉरवर्ड पाथ है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि यहाँ से मैंने नोड क्रिएट किया एस टू द पावर माइनस वन, अगेन नेक्स्ट पाथ पे एस टू द पावर माइनस वन, नेक्स्ट पाथ पे हमने क्या किया एस टू द पावर माइनस वन, और इसके बाद मुझे क्या मिलेगा, गेन वन के साथ आउटपुट वाई एस मैंने कहा, और ये मेरा क्या है, इनपुट है, ऐसा लिख सकता हूँ। ये सबको क्लियर हो चुका ना, फॉरवर्ड पाथ इनपुट से आपको चलना है और आउटपुट पे पहुंचना है, गेन देखिए एस टू द पावर माइनस थ्री आपको मिल जाएगा। अब मैंने क्या आपको एक कंसेप्ट बताया था, वन माइनस के बाद जो एस टू द पावर माइनस वन का मल्टीपल क्या है, माइनस नाइन, राइट। तो एस टू द पावर माइनस वन के क्रॉस में मुझे एक लूप बनाना है जिसका गेन क्या है, माइनस नाइन। तो एस टू द पावर माइनस वन यहाँ पे इसके क्रॉस में, आपको एस टू द पावर माइनस वन यहाँ भी है बट आपको इनपुट से देखना है, राइट। तो इसका गेन क्या होगा, माइनस नाइन। क्लियर, अब देखो एस टू द पावर माइनस टू के अक्रॉस हमें एक लूप बनाना है माइनस 26 गेन का, राइट। तो देखिए यहां से यहां पर अगर मूव करूं आप इस पॉइंट से और इस पॉइंट, तो देखो एस टू द पावर माइनस टू मिल जाएगा, राइट। तो यहां पे आपको एक लूप बनानी है इस पॉइंट पे, क्लियर, और ये लूप कितना होगा, माइनस 26। देखो एस टू द पावर माइनस टू आप इस लूप में मूव कीजिए तो आपको गेन क्या, एस टू द पावर माइनस टू 26 मिला क्या, क्लियर। No. एक अनदर लूप आपको बनाना है एस टू द पावर माइनस थ्री, मीन्स आपको एस टू द पावर माइनस थ्री के लिए मूव करना है, मीन्स यहां से लेकर इस पॉइंट से इनपुट नोड वन, अगर नोड टू नोड थ्री और नोड फोर दो तो नोड वन से लेकर नोड फोर तक आपको मूव करना होगा और माइनस 24 का लूप बनाना है। तो हम ऐसे बना सकते हैं, देखिए माइनस 24 ये हो सकता है, ऐसे ही तो होगा। देखिए माइनस, आप इस लूप को देखिए जो मैं डिफरेंट कलर का यूज किया, इसका गेन आपको माइनस 24 एस टू द पावर माइनस थ्री मिलेगा, राइट। अगर आप मिसिंग गेन फार्मूला यूज करोगे तो आप यहां से सॉल्व करोगे तो आपको ट्रांसफर फंक्शन रिवर्स में ये मिल जाएगा, राइट। तो हमने ट्रांसफर फंक्शन से सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाया, ठीक है। अब आप अगेन इसका आप ब्लॉक डायग्राम भी बना लोगे, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप SFG मैंने बना दिया, आप ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन या ब्लॉक डायग्राम इसका बनाने का ट्राई करना, नहीं हो तो आप मुझे इन्फॉर्म कीजिए, मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। अब मैं इसका स्टेट इक्वेशन फाइंड करते हैं, स्टेट इक्वेशन के मैं आपको यहां से, राइट, मैंने क्या था, एस टू द पावर माइनस वन के अक्रॉस एक वेरिएबल एज्यूम करना है। तो मैं यहाँ पे एक्स एज्यूम करूँ, एक्स वन, सिंस यहाँ पे थ्री है तो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री होंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स वन डैश होगा क्या। अब मैं एक्स वन डैश यहाँ पे एज्यूम किया तो यहाँ पे एक और वेरिएबल एज्यूम करना है, एक्स टू डैश लिख सकते हैं, और यहाँ पे एक्स टू डैश तो यहाँ पे एक्स थ्री डैश लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये समझ में आ गया। अब देखो देखो एक्स वन डैश मतलब डेल एक्स वन ओवर डेल टी, एक्स वन डैश क्या होता है, डेल एक्स वन ओवर डेल टी। तो डेल एक्स वन ओवर डेल टी को आप इंटीग्रेट करोगे तो एक्स वन आपको मिल जाएगा ना। अगर यहाँ पे देखो एक्स टू डैश है, एक्स टू डैश मीन्स डेल एक्स टू ओवर डेल टी, मैं लिख देता हूँ डेल एक्स टू ओवर डेल्टी। अगर एक्स टू को आप डेल एक्स टू ओवर डेल्टी को इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे आपको मिलेगा एक्स टू मिलेगा इस पॉइंट पे,
और यहाँ पे क्या एक्स वन डैश मीन्स एक्स वन डैश इज इक्वल टू एक्स टू लिख सकते हैं, ये बात समझ में, एक्स वन डैश इज इक्वल टू एक्स टू लिख सकते हो कि एक्स वन डैश मैंने अज्यूम किया यहाँ पे, बट एक्स टू डैश डेल एक्स टू ओवर डेल टी है, उसका इंटीग्रेशन करने के बाद मुझे एक्स टू मिलेगा यहाँ पे, तो इसी नोट पे मेरा एक्स वन डैश है, तो इन दोनों इक्वल हो जाएंगे। अगेन इसी कंसेप्ट के थ्रू यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी, डेल एक्स थ्री ओवर डेल टी, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, एक्स थ्री मिलेगा, तो एक्स थ्री इज इक्वल टू एक्स टू डैश हो गया। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखिए एक्स वन डैश इज इक्वल टू, तो हमारे पास अब स्टैटिक इक्वेशन क्रिएट करते हैं यहाँ पे, एक्स वन डैश इज इक्वल टू, एक्स वन डैश इज इक्वल टू मुझे क्या मिला, एक्स टू, क्लियर। एक्स टू डैश इज इक्वल टू, ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि हमारे पास एक्स डैश इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू, वाई इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी यू, ये वन टाइम ही डिफ्रेंशिएशन हमें मिलेगा, राइट। तो हमें वन टाइम डिफ्रेंशिएशन, यहाँ पे एक्स टू डैश है, तो अगर आप वन टाइम इसको भी आप अगेन डिफ्रेंशिएट करोगे तो डबल डैश आ जाएगा, मीन्स डेल टू एक्स ओवर डेल टी स्क्वायर होगा, बट हमें न्यू वेरिएबल असाइन कर लिया उसके लिए एक्स थ्री, क्लियर। अब एक्स टू मुझे क्या मिला, एक्स टू डैश इज इक्वल टू, एक्स टू डैश इज इक्वल टू एक्स थ्री, क्लियर। और एक्स थ्री डैश मुझे क्या मिलेगा, एक्स थ्री डैश इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए आप माइनस नाइन इंटू एक्स थ्री मिलेगा, माइनस नाइन इंटू एक्स थ्री, देखिए आप एक्स थ्री यहाँ पे इस पॉइंट पे एक्स थ्री है, माइनस नाइन से मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे क्या है एक्स टू, एक्स वन डैश नहीं लेंगे क्योंकि हमें राइट साइड में डिफ्रेंशिएशन टर्म नहीं चाहिए, तो राइट साइड में हमें डिफ्रेंशिएशन टर्म नहीं चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, एक्स वन डैश नहीं लेंगे, एक्स टू लेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस 26 इंटू एक्स टू, अगेन यहाँ पे क्या मेरे पास एक्स वन, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस 24 इंटू एक्स वन प्लस वन इंटू यू भी तो होगा, वन इंटू यू, ये यहाँ तक क्लियर हो गया। वाई की वैल्यू क्या लिखेंगे, वाई इज इक्वल टू वन इंटू एक्स वन, ये बात समझ में आई, इतना कर सकते हैं। नाउ आगे देखें, यहाँ पे एक्स टू है तो इसको प्रॉपर अरेंज करते हैं, थोड़ा अरेंजमेंट इसका कर लेते हैं और एक प्रॉपर फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, तो हमारे पास स्पेस थोड़ा क्रिएट करना होगा, सॉरी ओके वन सेकेंड ना, यहाँ पे हम कर लेते हैं, तो एक्स वन डैश को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0 इंटू एक्स वन प्लस वन इंटू एक्स टू प्लस 0 इंटू एक्स थ्री प्लस 0 इंटू यू, क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, देखिए आप 1 इंटू एक्स टू है। अब एक्स टू को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स टू को मैं लिखना चाह रहा हूँ, डिफरेंट कलर यूज कर लेते हैं, एक्स टू को मैं क्या लिखूंगा, 0 इंटू एक्स वन 0 इंटू एक्स टू प्लस 1 इंटू एक्स थ्री प्लस 0 इंटू यू, उसी तरह एक्स थ्री को मैं डिफरेंट कलर यूज कर लेता हूँ, एक्स थ्री को क्या लिख सकता हूँ, एक्स थ्री डैश इज इक्वल टू, अरेंज कर लेते हैं माइनस 24 एक्स वन, मैंने इसको पहले लिखा, उसके बाद माइनस 26 इंटू एक्स टू माइनस 9 इंटू एक्स थ्री प्लस 1 इंटू यू, और वाई को क्या लिख सकता हूँ, वाई को मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू एक्स वन, क्लियर। तो अब मैं अगेन इन इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करते हैं, यहाँ तक हो गया था ये, फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एक्स वन डैश एक्स टू डैश एक्स थ्री डैश, ये मैं इस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ आपको, ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसी फॉर्म में मुझे रिप्रेजेंट करना है, ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म है, राइट, तो इसी फॉर्म में करना, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा इसको, मैं यहाँ पे राइट करता हूँ, सॉरी वन सेकेंड, एक्स वन एक्स टू एंड एक्स थ्री, क्लियर। तो यहाँ पे एक्स वन एक्स टू एक्स वन का मल्टीप्लाई करना 0 1 0, तो यहाँ पे 0 1 0, ऑब्वियसली एक्स वन के साथ यू का मल्टीप्लाई किया, ऑब्वियसली यू का मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो यू मेरा सिंगल इनपुट है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0, देखिए आप यहाँ पे 0 है यू के साथ। अगेन एक्स टू के लिए हम क्या लिखेंगे, एक्स टू 0 0 1 0, तो यहाँ पे क्या होगा 0 0 1 और इनपुट के लिए 0, और एक्स थ्री क्या है मेरा -24 -26 -19 -24 -26 -9 और यहाँ पे 1 होगा, क्लियर। अगेन अगर y को मैं राइट करना चाहूँ, y क्या होगा, y इज इक्वल टू
1 1 0 0, क्योंकि यहाँ पे y को भी तो ऐसे लिख सकते हैं 1x1 0x2 + 0x3 राइट प्लस 0 इंटू यू, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या होगा x1 x2 x3, ये मेरा हुआ होगा और 0 0 इंटू यू राइट। तो अब मुझसे कोई पूछे मैट्रिक्स ए बताइए, तो आपको होगा ये मेरा मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स बी है, ये मैट्रिक्स सी है और ये मैट्रिक्स डी है। मैट्रिक्स ए बी सी डी हमने फाइंड किया, तो इसलिए अगर मैट्रिक्स ए बी सी डी मुझे पता लग गया तो मैं आपसे बोलूँ 5C की वैल्यू बताइए सिस्टम कंट्रोलेबल है या नहीं। तो आप कहोगे 5C के लिए हमें क्या चाहिए बी ए बी और ए स्क्वायर बी, क्योंकि 3x3 का मैट्रिक्स है तो ए स्क्वायर बी की रिक्वायरमेंट होगी। क्यूसी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, क्यूसी की वैल्यू 0 के इक्वल है या 0 के इक्वल नहीं है इसको चेक कर लेंगे, अगर नहीं इक्वल है तो कंट्रोलेबल है, इक्वल हुआ तो अनकंट्रोलेबल। अगेन आप क्यू बी ऑब्जर्वेबिलिटी के लिए क्यू बी क्या होता है सी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज स्क्वायर सी ट्रांसपोज स्क्वायर, इसको कैलकुलेट करेंगे और हम चेक करेंगे कि ऑब्जर्वेबिलिटी के लिए इसकी वैल्यू 0 के इक्वल है या 0 के इक्वल नहीं है, हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं तो आप इसको कैलकुलेट करके चेक कीजिएगा। अगेन मैं से आपको फाइव टी की वैल्यू पूछूँ, फाइव टी इज इक्वल टू क्या होगा फाइव टी मेरा क्या होगा SI माइनस A का इनवर्स। आपका A गिवन है, A आपको गिवन है, अगर 3x3 का मैट्रिक्स है तो थोड़ा आपको कैलकुलेशन में रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो X इनवर्स क्या होता है एडजॉइंट A ओवर मॉडुलस वैल्यू ऑफ A, इसका यूज करके आप इनवर्स इसका फाइंड कर सकते हैं सेम कंसेप्ट का यूज करके। क्लियर, X होगा यहाँ पे, अब इसलिए X है तो SI माइनस A, या तो क्या लिखेंगे SI माइनस A का इनवर्स क्या होगा एडजॉइंट SI माइनस A मैट्रिक्स में और इसकी मॉडुलस वैल्यू, इसी का क्या होगा मॉडुलस वैल्यू SI माइनस A। क्लियर, और इसको हम फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसका ट्रांसफर फंक्शन भी, अगर मुझे कोई पूछेगा व्हाट इज द ट्रांसफर फंक्शन, तो अगेन अब ऑब्वियसली ट्रांसफर फंक्शन हमारे पास गिवन था, ये ट्रांसफर फंक्शन हमारे पास गिवन था और ट्रांसफर फंक्शन से हमने ही फाइंड किया इस मैटर। अगर आपको आपको क्रॉस चेक करना हो तो अगेन आप सी SI माइनस A का इनवर्स B प्लस D, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको ट्रांसफर फंक्शन मिल जाएगा। आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करना तो करेक्ट SI माइनस A इज मॉडुलस इज इक्वल टू 0 आप कर देना, तो इससे आपको क्या मिलेगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल जाएगा। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने आपको सॉल्व कराया किस तरह से हमारे पास अगर एक ट्रांसफर फंक्शन गिवेन हो तो उससे हम सिग्नल फ्लो ग्राफ किस तरह से डिजाइन करते हैं। ब्लॉक डायग्राम मैंने कहा कि आप खुद से डिजाइन कीजिएगा, उस तरह से किस तरह स्टेट, उससे हम किस तरह से स्टेट स्पेस इक्वेशन डिजाइन करते हैं मैंने बताया, स्टेट स्पेस इक्वेशन अगर मिल जाए तो ABCD को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, और ABCD हमें पता हो गया तो हम सारी चीजें पता कर सकते हैं। क्लियर, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेकर आऊंगा। अब आपका यूनिट एक कम्प्लीट हो चुका है, अब इस पर बहुत सारे हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज यहीं पे हम रुकते हैं और इसके लिए आपको थैंक्स वीडियो देखने के लिए।